सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को इस फोटो को एडिट करने के लिए यार यहाँ पे आपको जो है किसी ब्लैक स्क्रीन पे फोटो क्लिक करवा लेना है, या फिर आप कहीं भी क्लिक करवा के आप पीछे बैकग्राउंड में जो है ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ऐड फोटो में जाके गाइस आप लोगों को एक पेपर फायर का जो पीएनजी आपको ये मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सिंपली ऐसे फुल स्क्रीन करके जो है आपको इस तरीके से लगा देना है, जिसमें गाइस आपका थोड़ा सा फेस विजिबल हो। और उसके बाद इतना हो जाने के बाद आप लोगों को जिस टाइप से रख देना है, जब इतना हो जाएगा तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फोटो को जो यहाँ पे डन कर लेना है सिंपली। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को दोबारा ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है लाइट का पीएनजी, ठीक है। इस लाइट का पीएनजी को ऐड करने के बाद आप लोगों को करना है क्या, गाइस यहाँ पे जो है आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है, आपको ब्लेंडिंग मोड में जाना है, यहाँ से आपको ब्लेंडिंग मोड का स्क्रीन कर लेना है एंड इसके बाद जूम करके इस टाइप से आपको जो है रख देना है, ताकि इससे ये होगा कि गाइस कि मतलब जो फायर का रिफ्लेक्शन है आपके फेस के ऊपर पड़ रहा है। बाकी इसका डुप्लीकेट करके आपको जो सेकंड साइड में भी रख देना है। और जब इतना हो जाएगा गाइस आप लोगों को, तो आप लोग सिंपली अपनी फोटो को यहाँ पर डन कर लेना है। इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को दोबारा ऐड फोटो में जाना है, जो ये वाला है। इस फोटो ऐड फोटो में जाओगे एंड यहाँ से आप लोगों को एक स्मोक का पीएनजी ऐड करना है, ये वाला। एंड इसके इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर इसको फुल स्क्रीन करना है थोड़ा सा इस टाइप से, एंड इसके बाद नीचे की साइड में रख देना है। फिर उसके बाद आप लोगों को जो है इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना है। अब गाइस चाहिए आप इसके बाद आप लोगों को करना है कि आप लोग यहाँ पे सिंपली फोटो को डन कर लेना है। बाकी का यहाँ पे जो है फेस स्मूथ वगैरह आप कर लेना, अगर आपको नहीं आता है तो मैंने वीडियो बना रखी है, अब देख लेना बाकी इसको, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करके ले चलते हैं लाइटरूम ऐप में। लाइटरूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस पहले आप लोगों को जो ऑटो वाला जो ऑप्शन है ये वाला, आपको इसको पे क्लिक कर देना है। अगर आपको एडजस्टमेंट ठीक लगती तो आप रहने देना, बाकी आप लाइट वगैरह करेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको कलर्स में जाने के बाद ऑरेंज कलर लेना है, इसका ल्यूमिनस बढ़ा देना है, सैचुरेशन कम कर देना है, और जो ह्यू है इसको येलो टोन की तरफ कर देना है। फिर तो इतना हो जाने के बाद आपको ब्लू कलर लेना है, सैचुरेशन एकदम माइनस कर देना है। फिर चल जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की क्लियरिटी को बढ़ा देना आप सभी को, एंड फोटो में विग्नेट डाल देना है, एंड नीचे मिलेगा आपको फीदर, इसको 100 प्लस कर देना है। फिर नीचे वाले टूल में जाने के बाद आप लोगों को फोटो की शार्पनेस बढ़ा देना, ताकि फोटो जो एकदम HD क्वालिटी में हो। एंड फाइनली गाइस आपकी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।